बीएल संतोष का लखनऊ दौरा आज है। आज बीजेपी पदाधिकारियों के साथ वो बैठक करेंगे। प्रदेश प्रभारी राधामोहन सिंह भी आज लखनऊ में हैं। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह होंगे शामिल। संगठन मंत्री सुनील बंसल बैठक में रहेंगे मौजूद। तो आने वाले चुनाव के मद्देनजर ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है, जहां पर आज बैठक है और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करेंगे और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी यहाँ मौजूद रहेंगे। तो बीएल संतोष का आज लखनऊ दौरा है। बीजेपी राष्ट्रीय संगठन का लखनऊ दौरा काफी अहम माना जा रहा है। पदाधिकारियों के साथ ये बैठक होगी। प्रदेश प्रभारी राधामोहन सिंह भी इस बैठक में शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी शामिल होंगे। संगठन मंत्री सुनील बंसल बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही आने वाले चुनाव को लेकर कई अहम मुद्दों पर बातचीत हो सकती है, चर्चा हो सकती है। उनकी ये जो दौरा है काफी अहम माना जा रहा है आने वाले चुनाव को लेकर। बीजेपी राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष का लखनऊ दौरा है। यहाँ पर पदाधिकारियों के साथ वह बैठक करेंगे, कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा भी करेंगे। बैठक में कई अहम मुद्दों पर भी बातचीत हो सकती है, खास करके चुनाव को लेकर चर्चा की जा सकती है, क्योंकि चुनाव में काफी कम समय बाकी है। तो इसको लेकर भी ये कयास लगाया जा रहा है कि लखनऊ का दौरा काफी अहम माना जा रहा है राष्ट्रीय संगठन मंत्री का। वहीं अब बीजेपी पदाधिकारियों के साथ वो बैठक करेंगे लखनऊ में। प्रदेश प्रभारी राधामोहन सिंह भी लखनऊ में मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी शामिल होंगे। संगठन मंत्री सुनील बंसल बैठक में मौजूद रहेंगे। तो इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे, संगठन मंत्री सुनील बंसल भी बैठक में मौजूद रहेंगे। उनका ये जो दौरा है काफी अहम माना जा रहा है चुनाव के मद्देनजर, क्योंकि चुनाव में बेहद ही कम समय बाकी है। ऐसे में लगातार बीजेपी की तरफ से जो है बैठक हो रही है। वहीं सरकार और संगठन के बीच ये जो बैठक है तालमेल बिठाने को लेकर बैठक की जा रही है, क्योंकि चुनाव में काफी कम समय बाकी है। ऐसे में लगातार कार्यकर्ताओं जो हैं वो दौरे कर रहे हैं और आज संगठन मंत्री जो है लखनऊ पहुंचे हैं। बैठक भी करेंगे, पदाधिकारियों के साथ चर्चा भी होगी और चुनाव को लेकर भी रणनीति तय की जा सकती है। वही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता लखनऊ से अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, क्या कुछ पूरी जानकारी इनके इस दौरे को लेकर? ये श्रावणी बताया, ये दौरा बड़ा अहम रहने वाला है, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश में एक बार ग्राम पंचायत के चुनाव के नतीजे आए हैं उसके बाद उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हलचल तेज देखी जा रही है। और जो आपने आज बताया कि बीएल संतोष जो आ रहे हैं, ये दौरा इनका और खास माना जाएगा, क्योंकि आज इनके साथ चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना, जो उत्तर प्रदेश का बड़ी जिम्मेदारी वित्त मंत्री है, वहीं स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह भी मौजूद रहेंगे। इसके बाद क्षेत्रीय कई मंत्री ऐसे दल के रहेंगे जो जिनका आज उनके साथ बैठक होगी। और ये बैठक सिर्फ और सिर्फ सरकार के कामकाज को लेकर हो सकती है, उसके साथ साथ जो उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव है उसको लेकर जो एक बार इनकी ग्राउंड से जो रिपोर्ट आई है ग्राम पंचायत चुनाव में, कहीं ना कहीं उसमें एक बड़ा एक रूपरेखा तैयार करने का एक बड़ा प्लान है। उसके पहले भी लखनऊ में एक संगठन के कई नेता आए थे और लगातार बैठक लखनऊ में चली है। उसके बाद जो अटकलें चल रही हैं उत्तर प्रदेश में राजनीतिक फेरबदल की, यानी कई मंत्रियों को शामिल होने को लेकर, तो इसमें भी मुहर लग सकती है। और ये चूंकि मुख्यमंत्री ने भी कुछ दिन पहले राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की है, उसके बाद कई ऐसी चीजें जो आई हैं सूत्रों के माध्यम से कि केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली बुलाया गया, तो उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ आज बैठक का उद्देश्य यही हो सकता है कि कहीं कहीं जो उत्तर प्रदेश में हलचल तेज है लेके, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो चाहे दिनेश शर्मा हो, क्योंकि जब से एके शर्मा उत्तर प्रदेश में पैर रखा है तब से देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं उनको डिप्टी सीएम की बनाने की बात की जा रही है, तो कहीं केशव प्रसाद मौर्य को बात सूत्रों के हिसाब से की जा रही है कि प्रदेश की बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। तो ये सारी जिम्मेदारियों को देखते हुए संगठन ने एक बड़ा फैसला लिया है और आज कुछ रिजल्ट शाम तक या कल तक आ सकता है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो चर्चाएं हैं तेज उनमें मुहर लग सकती है और साफ देखा जा सकता है कि सरकार के कामकाज में एक ही बड़ी बैठक होने जा रही है। और 2022 को चुनाव में रखते हुए ये बीजेपी पूर्ण रूप से अलर्ट है और उसी की एक तैयारी करने का ये बैठक का रूप रेखा तैयार हो रही है। श्रावणी, बिल्कुल अभिषेक, यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा कि ये जो बैठक है कहीं ना कहीं सरकार की जो कामकाज है उसका एक तरफ से फीडबैक लेने के लिए भी ये बैठक की जा रही है।
बिल्कुल श्रावणी कह सकते हैं, चूंकि इन 4.5 सालों के बाद एक बड़ी बैठक हो रही है और लगातार जो योगी जी के काम रहे उसके साथ साथ जो मंत्रियों के कार्य रहे और उसके बावजूद यदि उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव में जो बड़े शहर हैं गोरखपुर है, बनारस है, अयोध्या है और मथुरा जैसे शहरों पर इनको कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत में डिफीट खानी पड़ी है, तो एक ये बीजेपी है ये दो कदम मांगे की सोच के चलती है और उन्होंने यही कारण है कि केंद्र से इन लोगों को भेजने का उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश की ग्राउंड से रिपोर्ट तैयार की जाए कि कमी कहां पे है और वही कमी दूर करने के लिए मंथन चल रहा है और ये मंथन कहीं ना कहीं आगे 2022 का एक रूपरेखा बड़ा प्लान तैयार करने का है, क्योंकि जो विपक्षी दल है वो भी हावी है राजनीति उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर, तो कहीं ना कहीं कामकाज का लेके जो चर्चा है उनको लेके तेजी गति में लाने के लिए और जो लोगों में एक प्रकार की जो देखा जा रहा है कि कहीं ब्राह्मण वोट बैंक नाराज ना हो जाए, कहीं ये भी देखा जा रहा है जो 6 रिक्त पद है मंत्रियों के उनको किस प्रकार से भरा जाए, सबसे बड़ी चिंता चुनौती इस सरकार के पास इस बात की है कि यदि बिल्कुल अभिषेक ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि इस बैठक के बाद क्या कुछ अहम फैसले निकलकर सामने आते हैं। बने रहिए हमारे साथ अभिषेक, तमाम जानकारी के लिए फिर एक बार लौटेंगे, आगे बढ़ेंगे।